बॉलीवुड अभिनेत्री रक्षांदा खान, जो कि सानिया मिर्जा की अच्छी दोस्तों में से शामिल है, उन्होंने सानिया मिर्जा के खेल में रिटायरमेंट को लेकर रिएक्शन दिया है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। रक्षांदा खान ने कहा कि उसने हमारे भारत को टेनिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोहरत दिलवाई। रक्षांदा ने कहा, मुझे लगता है कि ये फैसला व्यवहारिक है। आपको बता दें कि भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए बुधवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला युगल के पहले दौर में बाहर होने के बाद संन्यास की पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने तय किया है कि ये मेरा आखिरी सीजन होगा, मैं इसे सप्ताह दर सप्ताह ले रही हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं सीजन तक रह सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि, सानिया ने कहा कि इसके लिए कुछ कारण है। घोषणा के बारे में हमसे बात करते हुए सानिया के करीबी दोस्त अभिनेता रक्षांदा खान ने कहा, लगभग 20 साल के करियर और 43 जीत के साथ, जिनमें से 6 ग्रैंड स्लैम हैं, इस लड़की ने अपने देश को इतना गौरवान्वित किया है। उसने हमें टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ला खड़ा किया है। एक क्रिकेट के भूखे राष्ट्र के लिए, जिसने सिर्फ एक खेल को मान्यता दी, अचानक भारतीय खेलों की दुनिया अब केवल पुरुष प्रधान नहीं रही थी। रक्षांदा ने कहा कि सानिया के साथ आखिरकार युवा लड़कियों के लिए ये आइकन था जो आगे बढ़ना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी। रक्षांदा ने कहा कि मेरी छोटी लड़की को सीनियर में एक खेल चुनने के लिए कहा गया और उसने कहा, मैं टेनिस चुनूंगी और बड़ी होकर सानिया खाला की तरह बनूंगी। मुझे लगता है कि उनका फैसला व्यवहारिक है। रक्षांदा ने कहा कि हाल ही में वो चोटों से घिरी हुई रही और मुझे लगता है कि इस बिंदु पर झुकना बहुत समझदारी है। बेशक हम जानते हैं कि उनकी विशेषता आने वाली प्रतिभाओं के लिए हमेशा उपलब्ध है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी टेनिस एकेडमी जल्द ही एक और नन्ही सानिया को ढूंढेगी। आपको बता दें कि सानिया मिर्जा, जो 35 साल की हो चुकी है, जिन्होंने 6 साल की उम्र में खेल खेलना शुरू किया था, 2003 में पेशेवर बन गए और 10 एकल और 13 युगल खिताब जीते। उन्होंने कहा, ये उतना आसान नहीं है जितना ठीक है। मैं खेल ही नहीं जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे ठीक होने में अधिक समय लग रहा है। मैं खेलने नहीं जा रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरे ठीक होने में ज़्यादा समय लग रहा है। मैं अपने 3 साल के बेटे को उसके साथ इतनी यात्रा करके जोखिम में डाल रही हूँ। ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे ध्यान में रखना है। मुझे लगता है कि मेरा शरीर खराब हो रहा है। आज मेरा घुटना बहुत दर्द कर रहा था और मैं यही नहीं कह रही हूँ कि हम हार गए, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं बूढ़ी हो रही हूँ, ठीक होने में समय लग रहा है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अधिक अपडेट के लिए बने रहे माय स्पोर्ट्स टाइम्स के साथ।